हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो गाइस। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइस आज की वीडियो पे मैं बताने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट की ऑर्डर हिस्ट्री किस तरीके से डिलीट करते हैं गाइस। जी हाँ, अगर आप लोग भी फ्लिपकार्ट यूज़ करते हो और आप लोगों ने फ्लिपकार्ट से कई प्रोडक्ट को परचेज़ किया है और आप उसमें चाहते हो कि मैं फ्लिपकार्ट की ऑर्डर हिस्ट्री को किस तरीके से डिलीट करते हैं गाइस, और आप लोगों को पता नहीं है कि फ्लिपकार्ट की ऑर्डर हिस्ट्री किस तरीके से डिलीट की जाती है गाइस, तो गाइस आप लोगों को मैं यही बताने वाला हूँ कि आप लोग फ्लिपकार्ट की ऑर्डर हिस्ट्री किस तरीके से डिलीट करते हैं गाइस। तो गाइस ज़्यादा टाइम गवाते ना हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। तो गाइस सबसे पहले गाइस आप लोग फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों को फ्लिपकार्ट में आप लोगों को लॉगिन कर लेना है। आप लोगों को फ्लिपकार्ट लॉगिन करना नहीं आता है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है कि फ्लिपकार्ट के लिए तो फ्लिपकार्ट में अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं गाइस। तो मैं गाइस जो वीडियो मैंने आई बटन में दे देंगे गाइस, वहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हो गाइस। उसके बाद फ्लिपकार्ट में लॉगिन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है। लेफ्ट राइट साइड में देखना 3 डॉट, इस पर आप क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखना माई ऑर्डर्स, इस पर आप क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ इंटरफेस और नज़र आ जाता है। देख सकते हो गाइस यहाँ पे कई सारे यहाँ पे प्रोडक्ट शिपमेंट आ चुके हैं गाइस। देख सकते हो गाइस कई सारे यहाँ पे प्रोडक्ट आ चुके हैं, मैंने यहाँ पे कई सारे प्रोडक्ट को परचेज किया, जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर किया है, ब्लूटूथ किया है, और यहाँ पे कॉलर माइक किया है, यहाँ पे बुक किया है, फ़ोन किया है, यहाँ पे कई यहाँ पे प्रोडक्ट को मैंने परचेज किया है गाइस, यानी कि ऑर्डर किया है। तो गाइस मैं चाहता हूँ ये हिस्ट्री को डिलीट करना किस तरीके से कर सकते, बाद में किसी को पता ना चले कि आप लोग फ्लिपकार्ट से क्या क्या इस प्रोडक्ट को परचेज कर चुके हो गाइस। तो गाइस मैं हिस्ट्री को डिलीट करना चाहता हूँ तो किस तरीके से कर सकता हूँ गाइस, तो गाइस आज की वीडियो यही बताने वाला हूँ। तो गाइस आप लोग यहाँ पे कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है डिलीट का, देख सकते हो गाइस यहाँ पे कोई डिलीट का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे देखा है ये पे बुक है, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो किस तरीके से कर सकता हूँ, जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आए गाइस आप लोगों को यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है गाइस, और नीचे आप लोग आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद गाइस यहाँ पे कोई यहाँ पे ऑप्शन ऐसा नहीं है कि हम इस प्रोडक्ट को क्लियर यहाँ पे डिलीट कर सकेंगे गाइस। देख सकते हो गाइस यहाँ पे ऑर्डर नहीं मालूम पड़ता कि मैं इस ऑर्डर को किस तरीके से डिलीट कर सकेंगे गाइस, यहाँ पे कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है गाइस। पहले मिलता था लेकिन आप वो ऑप्शन यहाँ से हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए हटाया है और आपकी रिक्वायरमेंट के लिए हटाया है इस फ्लिपकार्ट ने खुद, क्योंकि कई ऐसे धोखाधड़ी हो रही थी, कई ऐसे फेक यहाँ पे अकाउंट बन चुके थे जिसके जरिए आप लोग दूसरे के आप लोग यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होते थे वो देख लेते और अपने एड्रेस पे वो फिल कर देते, ऑटोमेटिकली कर लेते कि इसलिए वहाँ पे ट्रांजेक्शन यहाँ पे हिस्ट्री को यहाँ में इसलिए ऑर्डर हिस्ट्री फ्लिपकार्ट ने यहाँ से हटाना बंद कर दिया है। देख सकते हो गाइस यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री यहाँ से आप लोग डिलीट नहीं कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो गाइस आप लोग कहीं भी क्लिक करोगे यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है यहाँ से डिलीट की, यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हो गाइस। जैसे कि यहाँ पे पैक कर लेता हूँ और मैं ये फ़ोन को हमें सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं नज़र आता जिससे हम फ्लिपकार्ट की ये ट्रांजेक्शन यानी कि इसकी ऑर्डर हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। देख सकते हो मेरी ये ऑर्डर आ चुका है, लेकिन हमें इस ऑर्डर को हम डिलीट करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं गाइस, और आप लोग यहाँ पे कंफ्यूजन हो गए। देख सकते हो इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, देख सकते हो गाइस हमें ये ऑर्डर को मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो गाइस किस तरीके से कर सकता हूँ गाइस, बट गाइस क्या होता है मैंने इसको बैक कर देते हैं और यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, तो लेकिन हम इसको डिलीट करना चाहते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखो लाइए वाइट ये रिव्यू, इस पर आप क्लिक करोगे तो गाइस और कुछ यहाँ पे नज़र आ जाएगा गाइस, लेकिन यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है गाइस, क्या करें और क्या नहीं करें। नेक्स्ट पे जब भी क्लिक कर देते हो तो गाइस यहाँ पे लेकिन यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो गाइस आप लोग यहाँ पे स्पेशली नज़र नहीं आता तो हम क्या करेंगे गाइस, जैसे कि हमने ये वाला ये हमें ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम कैंसिल करना चाहते हैं, ये वाला प्रोडक्ट है इसको मैं कैंसिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखने मिला नीड हेल्प, इस पर आप क्लिक कर लेना है। नीड हेल्प पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे आप चैट कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख देते माई ऑर्डर डिलीटेड, जैसे कि हमने लिख देते माई ऑर्डर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ माई ऑर्डर, डिलीटेड माई ऑर्डर डिलीट हिस्ट्री, तो यहाँ पे देखो माई ऑर्डर डिलीट,
तो गाइस यहाँ पे मैंने लिख दिया माई ऑर्डर डिलीट, तो आप लोग यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बोल रहा है आई एम सॉरी करंटली, देख सकते हो आई एम सॉरी करंटली बिल कंटेंट डिलीट ऑर्डर हिस्ट्री, यानी ये बोल रहा है डोंट नहीं हो सकता। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यह बोल रहा है आई एम सॉरी करंटली बी कंटेंट डिलीट ऑर्डर हिस्ट्री, तो डू यू सेल्फ नीड हेल्प, तो ये बोल रहा है यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ये हिस्ट्री को डिलीट नहीं कर सकते हो गाइस, देख सकते हो। थैंक यू सिगमैन, यहाँ पे डिलीट नहीं हो रही है, देख सकते हो गाइस यहाँ पे जो भी कुछ भी यहाँ पे टाइप करते हैं तो गाइस यहाँ पे डिलीट हिस्ट्री नहीं हो रही है। तो गाइस आप लोग यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हो गाइस, तो गाइस हम आप लोगों को बता दें कि आप लोग यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे कोई ऑर्डर हिस्ट्री डिलीट नहीं कर सकोगे गाइस। क्यों नहीं कर सकोगे गाइस, क्योंकि यहाँ पे ऐसी धोखाधड़ी हो रही है गाइस यहाँ पे, और यहाँ पे कई ऐसे फ्रॉड काम भी हो रहे हैं। सेफ्टी के लिए फ्लिपकार्ट ने ये डिलीट का ऑप्शन हटा दिया गाइस, पहले यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन था लेकिन अब यहाँ पे फ्लिपकार्ट में ये डिलीट का ऑप्शन यहाँ से हटा दिया है गाइस। तो गाइस आप लोग यहाँ फ्लिपकार्ट से डिलीट कोई भी परचेज यहाँ पे कोई प्रोडक्ट को डिलीट नहीं कर सकते गाइस। तो गाइस आप लोगों जो भी यहाँ पे जानकारी जानना चाहते थे आपको मिल चुकी होगी, और जो भी कंफ्यूजन हो वो भी आपको यहाँ पे दूर हो चुका होगा, क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए आपकी सिक्योरिटी के लिए ही फ्लिपकार्ट में वो ऑप्शन था वो हटा दिया है, और कई यहाँ पे फ्रॉड काम होते थे इसलिए फ्लिपकार्ट ने वो यहाँ से ऑप्शन हटा दिया है गाइस। तो गाइस आप लोग यहाँ पे बड़े आसानी तरीके से यहाँ पे जान चुके होंगे, तो गाइस आप लोग यहाँ पे बड़े आसानी तरीके से जान चुके होंगे कि फ्लिपकार्ट से ऑर्डर हिस्ट्री डिलीट नहीं हो सकती है गाइस। तो गाइस आशा करता हूँ गाइस जो जानकारी आप जानना चाहते थे आपको मिल चुकी होगी, तभी भी आपको फ्लिपकार्ट से कोई भी ऑर्डर हिस्ट्री को डिलीट करने में कोई दिक्कत परेशानी मालूम पड़ती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, हम आपको जल्द से रिप्लाई कर देंगे गाइस। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।